देखे कौन से लाया हो तो सलाह मर्डर करने कट्ठे पकड़े हुए अनुज या मेरे फोन आ रहा है। हेलो, अब मुझ पर भाई गोली मार दी। गोली मार दी? किसने मार दी? राधे ने। चल हम टक्कर ले रहा चौधरी। अरे कहा होगा? अरे बहनचोद कुत्ते ने निहत्ते शेर घेर लियो, पर उन्हें पता हो कि बहनचोद राव दी जेल से बाहर आ गो। ठोक दे चल गए ना जॉनी भाई, पहले भाई मुझ पाला हॉस्पिटल में देख लिया। ये मूछपाल जी हैं दलेलगढ़ से, कौन से वार्ड में? जी दो नंबर वार्ड में है। देवान जी नोट करो कंप्लेन। तो बताइए मूछपाल जी, क्या वारदात हुई आपके साथ? दरोगा जी, मैं कोई एफआईआर दर्ज ना करवानी, मुझे नहीं पता मुझ पे किसने गोली चलाई, आप जा सकते हो। ठीक है मूछपाल जी, जैसी आपकी इच्छा, हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर आपको कंप्लेन नहीं करनी कोई बात नहीं, हम अपने सिरे से अपनी कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा मूछपाल जी चलते हैं। प्रधान जी अगर कोई समस्या हो तो याद कीजिएगा। ठीक है जी चलते हैं। भाई मूछपाल तेरा बहुत बहुत एहसान है हम पे भाई, हम बालकन ने समझाएंगे। मैंने एक बात और सुनी है, तेरा भाई रावड़ी जेल तो बाहर आगो की है, भाई वहां समझिए या मामले यहीं रोक दे। मूछपाल इस सुलह की राड़ में कोई ऐसा बीज ना बूझा जो राड़ी बहुत लंबी हो जाए, या मामले यहीं खत्म कर दीजिए। ठीक भैया मूछपाल? ठीक है प्रधान, सोच समझ के बताऊंगा। कहो मेरे भाई। वार्ड नंबर दो में। कहाँ जा रहा? रुक जा, छोड़ दे भाई, आज आग लगा दूंगा साले इनमें। इतना उतावला मत होए, मूछपाल भी कोई मानने वाला पैदा ना हुआ है धरती पे। भाई मुझे नू पता कि भड़वाई के लोगों का फौज की गैल हो। छोटे रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है। रुक जा। अरे आप छोड़ दूंगा उनकी जिनकी ओखड़ में तू रड़के, और मूछपाल बड्डो भाई तू मेरो, या छाती में दिल की जगह तू धड़के। डॉक्टर साहब मेरे भाई ठीक हो जाना चाहिए, अभी दो घंटा में हॉस्पिटल को शमशान बना देंगे, और दो घंटा में आ रहा हूँ। बता कि बहन तो कौन सा गिट लाया हूँ, चल भाई पे हाथ उठाओ। अंकित खोदना हो अक्की हो और राधे हो। देखो भाई जीवन तो खराब हो गए, अब जो होगा देखो जाएगा। छोटे एक फोन आ रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई, रावड़ी जेल से बाहर आ गो कही, हमने सुनी है बहुत गिरे हुए इंसान है, कुछ भी कर सका है, कॉलेज में जी आज। ठीक है भाई। ठीक है ना? ठीक। ले राधे से बात कर। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी की रेस में जो हमें दौड़ कर ना हरा सके ना, वो हमें तोड़ कर हराने की कोशिश करेगा। मेरी बात तो समझ रहे होएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि राहुल डियर बहुत गिरे हुए आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई राबड़ी खड़ो आगे। कौन भाई? इरादे ठीक नहीं लग रहे आके मुँह। तू सुन 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 सुन, गाड़ी 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 मत खोलियो तू, ठीक है? ठीक है भाई। है कहाँ पहुँच कहाँ गया तू? भाई घंगोला पुल पर हूँ मैं। घंगोला पुल दो रहे? मात मात 10 से 15 मिनट का टाइम दे, 10 से 15 मिनट का टाम दे तू हमें, हम आ रहे हैं। अरे शीशे वीशे बंद राखियो अपना, हम पहुँच रहे हैं दोरा, ठीक है? टेंशन फिर, फोन चालू राखियो, फोन फोन चालू रखना बिल्कुल। दस मिनट का टाइम, 10 मिनट में आ लिया हम तेरे धो रहे। अब तू शीशा भी मत खोलियो कुछ भी, ठीक है? हम आ लेंगे फटाफट। अरे जाकर डरा ना, वही होगा बहन चो, सीधा बालक घेर लियो अपना। तू छोटे फोन चालू रखियो बस, हम आ लिए, दिक्कत मत ले तू। जीते प्यारे यार गेम करे आर पार, गोलियां की आज बरसात होवेगी। गुज्जर का छोरा यो ऐलान ठोकता, तेरे शहर में फिर वारदात होवेगी। जा गुज्जर का शेर यो ऐलान ठोकता, तेरे शहर में फिर वारदात होवेगी। बता तेरे कहो दिला, बता रहा हूं ना, फिर पूछ रहा हूं। जा बहन चो, काम खत्म तेरो। मैंने अब गिदड़ान को मौस गिर दियो, साले खुदा जाएंगे सूंघते सूंघते। बाकी रह रहा अभी, अभी चार भैया, एक आध और मरवा। यहाँ का खून व्यर्थ न जाएगा, एक बदला आज ही पूरा होएगा। कसम खा रहे चिता की गोविंदा की, यहाँ का बदला लेकर दिखाएंगे राउडी और मूछपाल, घर तक खोदेंगे पूरे सुख। चिता ठंडी हो जा, चुप घर को आ जाओ, ठीक है ना? कैसी है अनहोनी, अरे आग हुई ना, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या, मरने वाला राधे भैया का छोटा भाई बताया जा रहा है, जिसमें 2004 के महीने जनवरी में राधे भैया ने मूछपाल पर गोली चलाई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी चीज का बदला लेने के लिए मूछपाल का छोटा भाई जो कि राउडी है, अभी जेल से जो कि बाहर आया है, उसने अपने साफ शूटरों को भेजा और राधे भैया के छोटे भाई पर गोली चलवाई, जिसमें राधे भैया के छोटे भाई की मृत्यु हो गई है। अब देखते हैं इस खून की लड़ाई का अंजाम क्या होता है।
वैसे तो राधे भैया और मूछपाल दोनों ने ही कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया है और पुलिस के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस लड़ाई में आगे क्या क्या होता है।